नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। पतंजलि ने कोरोना वायरस के लिए कोरोनिल नामक दवा को लॉन्च किया है, जिसके बाद आयुष मंत्रालय ने पत्र लिखकर पतंजलि को दवा के प्रचार के लिए रोकने को कहा है। ऐसा क्यों, देखिए। कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया परेशान है। अभी तक कोई भी सटीक वैक्सीन या दवा इसके इलाज के लिए नहीं बनी है। मंगलवार की सुबह पतंजलि आयुर्वेद के चीफ और योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोनिल नामक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च करते हुए दावा किया कि इससे कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। जैसे ही उनका ये ऐलान हुआ, देश बेखुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन ये खुशी शाम तक ही रह पाई और आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को दवा के प्रचार को रोकने के लिए कह दिया। इसके साथ ही रिसर्च डिटेल भी मांगी है। पतंजलि की कोरोना टैबलेट के मामले में आयुष मंत्रालय ने कहा कि उसे इस दवा के बारे में साइंटिफिक स्टडी वगैरह की सूचना नहीं है। यही नहीं, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कोविड की दवा की कॉम्पोजिशन, रिसर्च स्टडी और सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने को कहा है। मंत्रालय ने बाबा रामदेव की कंपनी से दवा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। पूछा है कि उस हॉस्पिटल और साइट के बारे में भी बताएं जहां इसकी रिसर्च हुई। वही उत्तराखंड सरकार से इस आयुर्वेदिक दवा के लाइसेंस आदि के बारे में जानकारी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार की ओर से कोविड 19 के उपचार के लिए तैयार दवाओं के बारे में उसे मीडिया से जानकारी मिली। दवा से जुड़े वैज्ञानिक दावे के अध्ययन और विवरण के बारे में मंत्रालय को कुछ जानकारी नहीं है। दरअसल कोरोना कोई साधारण बीमारी नहीं है और ये बिल्कुल नया वायरस है। इसकी दवा और वैक्सीन बनाने में देश भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। कोरोना महामारी के लिए दवा बनाने के लिए कंपनी को मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। कोई भी कंपनी बाजार में जाकर ये दावा नहीं कर सकती है कि ये कोरोना की दवा है। कोई भी नई वैक्सीन या दवा के लिए सरकार कंपनियों को अनुमति देती है, उसके बाद ही वो कंपनी उस दवा को बना सकती है। मंत्रालय ने पतंजलि ग्रुप से कहा है कि इस दावे के परीक्षण होने तक इस दवा का प्रचार प्रसार ना करें। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार के संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इस प्रोडक्ट की अप्रूवल की कॉपी भी मांगी गई है। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम की मेडिसिन लॉन्च की है। इस मेडिसिन के जरिए कोरोना के मरीजों को ठीक करने का दावा भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।